अयोध्या में दीपोत्सव में एक बार फिर नया रिकॉर्ड बना। इस बार सरयू नदी के किनारे राम की पैड़ी पर 15,76,000 दिए जलाए गए और इस बार दीपोत्सव के कार्यक्रम में प्रधानमंत्री मोदी भी शामिल हुए। उन्होंने दीपोत्सव की शुरुआत की और फिर अवधपुरी जगमग दीपों से जलकर लेजर लाइटों से जगमगा उठी। दीपोत्सव के मौके पर जगमग सरयू तट की ये दिव्य तस्वीर सामने आई प्रभु राम नगरी अयोध्या से। खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिव्य दीपोत्सव की शुरुआत की और फिर देखते ही देखते पूरा सरयू तट और अवधपुरी दीपों की इस लौ से जगमगा उठी। राम की पैड़ी इस बार लाखों दीयों की रोशनी से जगमग हो उठी। एक नया वर्ल्ड रिकॉर्ड है और ऐसा लग रहा था कि मानो सरयू तट पर आसमान से सितारे उतर आए हों। इसका जिक्र वहां मौजूद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी किया। अयोध्या जी दीपों से दिव्य है, भावनाओं से भव्य है। आज अयोध्या नगरी भारत के सांस्कृतिक पुनर्जागरण के स्वर्णिम अध्याय का प्रतिबिंब है। अयोध्या में दीपोत्सव के दौरान सरयू तट पर जो दिव्य और भव्य नजारा देखने को मिला वो कल्पना से भी परे है। जहां तक नजर जा रही है ज्योतियों की ये जगमग प्रकाश का ये प्रभाव रात के ललाट पर रश्मियों का ये विस्तार भारत के मूल मंत्र सत्यमेव जयते की उद्घोषणा है। प्रधानमंत्री दीपोत्सव के इस कार्यक्रम में पहली बार शामिल हुए थे और अयोध्या पहुंचे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रामलला के दर्शन किए। उन्होंने मंदिर के निर्माण कार्यों का अवलोकन किया, साथ ही श्री राम का राज्याभिषेक भी प्रधानमंत्री ने किया। 5 अगस्त 2020 के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दीपोत्सव के मौके पर अयोध्या पहुंचे। यहां पहुंचते ही उन्होंने रामलला के दरबार में हाजिरी लगाई। प्रधानमंत्री ने रामलला की पूजा की और आरती की और उनसे राष्ट्र के कल्याण की कामना की। प्रधानमंत्री सीएम योगी के साथ राम कथा पार्क पहुंचे, जहां उन्होंने मंदिर निर्माण से जुड़ी हर एक चीज का बारीकी से अवलोकन किया। इसके बाद प्रधानमंत्री श्री राम के राज्याभिषेक में शामिल हुए। उन्होंने श्री राम का तिलक किया और उनकी आरती उतारी। श्री राम लला के दर्शन और उसके बाद राजा राम का अभिषेक, ये सौभाग्य राम जी की कृपा से ही मिलता है। प्रधानमंत्री ने श्री राम के शासन मूल्यों का जिक्र किया और कहा कि ऐसा संकल्प देश को नई ऊंचाइयों पर ले जाएगा। राम जैसी संकल्प शक्ति देश को नई ऊंचाई पर ले जाएगी। प्रधानमंत्री ने श्री राम की मर्यादा को कर्तव्य का बोध बताया और कहा कर्तव्य बोध से ही राष्ट्र का कल्याण सुनिश्चित है।